नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। प्रकाश पर्व के इस अवसर पर जहां जगह जगह रोशनी से लोगों के मकान और दुकानें सज उठी हैं और पूरा नगर जगमगा रहा है, तो वहीं मुफलिसी की मार झेल रहे कुछ बच्चे अपने शहर में ही और आसपास दिए और इस तरह की सामग्री बेचते नजर आ रहे हैं। जिनकी उम्र अभी घर गृहस्थी संभालने की जगह काका गाघा सीखने और खिलौनों से खेलने की थी, लेकिन मुफलिसी की मार झेल रही ये बच्चे अपने हम उम्र साथियों के साथ खेलने के बजाय उनके लिए खिलौने बेच कर घर की दीपावली के जुगाड़ में जुटे देखे गए। गुरुवार को दीप पर्व के दिन जब हमारी टीम ने शहर में प्रकाश पर्व के लिए खरीदारी और सुरक्षा का जायजा लिया, तो पानी की टंकी, चौराहे पर फुटपाथ के किनारे शहर के ही रहने वाले मानसी, दीपक और शुभम मिट्टी के दिए और खिलौनों की दुकान सजा कर बैठे मिले। पूछने पर बताया कि जब से दिवाली की आहट हुई है तब से वे ऐसे ही दुकान लगाकर रुपए कमा रहे हैं। दीपक ने बताया कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वह दिवाली को मनाने के लिए दिए और खिलौने बेचकर पैसे एकत्र कर रहा है। मानसी कहती है कि दीपावली के दिए, मिट्टी के खिलौने, कच्ची रुई और पूजन के सारे पारंपरिक सामान बेचे जा रहे हैं। ये बात और है कि गरीबी से लड़ने का जज्बा दिखाकर मानसी, दीपक और शुभम ने घर के लोगों की मुश्किलें आसान कर दी, लेकिन शहर में वो इस तरह का अकेला बच्चा नहीं है। छावनी बाजार, अस्पताल चौराहा, पीपल तिराहा, चांदपुरा स्टेशन रोड और चित्रशाला रोड समेत विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे दर्जनों बच्चे पढ़ने और खेलने की उम्र में सामानों की बिक्री करते नजर आए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों से लगातार अपडेट बने रहने के लिए लगातार जुड़े रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पर जाकर लाइक करें और साथ ही साथ फॉलो करते हुए जुड़े रहें खबरों के साथ। नमस्कार।